दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों नेपाल के खिलाड़ी आसिफ शेख जिसने भारत के खिलाफ दमदार बल्लेबाजी की थी उसके लिए दोस्तों विराट कोहली ने खास तौर पर कुछ ऐसा कर दिया कि सोशल मीडिया पर हर जगह उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन अब खुद ब खुद आसिफ शेख ने कुछ ऐसा कह दिया कोहली और पूरे भारत देश पर के सुनकर शायद आप भी भावुक होने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों क्या कहा खिलाड़ी आसिफ शेख ने, इनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट, रोहित और धोनी तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी और महान खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एशिया कप 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला भारत और नेपाल की टीम के बीच में खेला गया था। अब ये रोमांचक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नेपाल की टीम की जो शुरुआत थी ना वो हमेशा याद रखी जाएगी। 10 ओवर में इस टीम ने दोस्तों 70 रन बनाए थे और ऐसा करना वो भी भारत के खिलाफ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बीच दोस्तों नेपाल की टीम की तरफ से दो खिलाड़ियों की पारी सबसे ज्यादा बेहतर थी जिसमें आसिफ शेख का नाम है और साथ ही साथ सोमपाल का, एक ने 58 तो दूसरे ने 48 रन बनाए। दोस्तों आसिफ शेख की बात करें तो 97 गेंदों के अंदर 8 चौके लगाकर इस खिलाड़ी ने पूरे 58 रन लगाए। ऐसा नहीं कि नेपाल के बाकी खिलाड़ियों ने प्रयास नहीं किया, ये पूरी टीम को 230 तक ले गए। हाँ हमें फिर लक्ष्य मिला DLS मेथड के तहत लगभग 150 के आसपास का जिसे भारतीय टीम ने 10 विकेट के अंतर से ही चेस कर दिया था। लेकिन दोस्तों आसिफ शेख की बल्लेबाजी वाकई में कमाल थी। हालांकि इनका कैच कोहली ने पकड़ा था लेकिन मैच के बाद विराट कोहली ने ही इन्हें एक खास अवार्ड से नवाजा है। दोस्तों विराट कोहली दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन हैं, इस बात में कोई शक नहीं। और दोस्तों जब ऐसा कोई भीमकाय खिलाड़ी विरोधी टीम को अप्रिशिएट करे, उनके खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजे तो वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा बन जाता है। आपको बताए दोस्तों कि नेपाल की टीम जिसने भारत के खिलाफ रन लगाने चाहे उस टीम को अपने पास बुलाया भारतीय क्रिकेट टीम ने, तरह तरह के खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजा। लेकिन खास तौर पर जब बात आसिफ शेख की आई तब दोस्तों विराट कोहली खुद आगे आए और इस खिलाड़ी को मेडल पहनाकर कुछ इस अंदाज में शाबाशी दी जो दोस्तों विराट कोहली से लेने के लिए पूरे दुनिया के खिलाड़ी तरसते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें आसिफ शेख ने अब इस बात का भी खुलासा कर दिया है कि विराट कोहली ने उनको ही मेडल क्यों दिया और उन्होंने ऐसा क्या कहा कि वो भी भावुक हो गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि आसिफ शेख नाम के इस खिलाड़ी ने अपने बयान में कहा, भारतीय क्रिकेट टीम के साथ खेलना किसी सपने से कम नहीं था। मैदान में उतरकर एक वक्त पर लग रहा था कि वाकई में आज हम अपना सपना जी रहे हैं। सामने विराट कोहली थे और भारतीय क्रिकेट टीम के वो सभी दिग्गज जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं, जिनको देखकर हमने क्रिकेट की इंस्पिरेशन ली है। और मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ मैं ऐसी कोई पारी भी खेल पाया हूँ। वाकई में इस पर यकीन करना मुश्किल है क्योंकि शायद भारतीय क्रिकेट टीम हमसे अनुभव और साथ ही साथ क्रिएटिविटी में 100 गुना आगे है। लेकिन मैं अपने देश के लिए पारी खेल पाया मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। और उससे बड़ी बात यह है कि विरोधी टीमें हमेशा छोटी टीमों को नकारती हैं। ये पहली भारतीय क्रिकेट टीम है, ये पहले विराट कोहली ऐसे हैं जिन्होंने इस तरीके से नवाजा, हमारी टीम का प्रोत्साहन किया। साथ ही साथ मुझे खास तौर पर विराट कोहली ने बताया कि मैं आगे चलकर बहुत अच्छा बल्लेबाज बन सकता हूँ, मेरी बल्लेबाजी में क्या क्या कमियां हैं। जरूर से विराट भाई की ये हिदायतें मेरे काम आएंगी, शायद ही मैंने ऐसा खिलाड़ी देखा है। वाकई में मेरी आंखें नम हैं आज विराट की महानता को देखकर, उम्मीद है मैं उन जैसा एक दिन बन पाऊं। दोस्तों आसिफ शेख ने जो कहा है वो वाकई में दिल जीतने वाला है और विराट कोहली ने जो किया वो भी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, विराट, रोहित और धोनी में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।